हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो मैं आज क्या बना रही हूँ आप देखो कि मैं क्या बना रही हूँ। तो मैं सबसे पहले धो रही हूँ ये जो मैंने नीम की पत्तियाँ डाली है थोड़ी, इससे कुछ मच्छर बैठ जाते हैं, तो मैंने इसको धोया है। और तीन प्याज लिए हैं, हरी मिर्च ली है, लहसुन भी ले लूँगी, लहसुन भी धो के रख दिया है मैंने। ये सारे प्याज वगैरह ना मैं दो से तीन पानी में धो लिए हैं। और अब मैं सरसों का तेल ले रही हूँ इसमें कढ़ाई में, और ये प्याज भी मैं फटाफट से काट रही हूँ क्योंकि आज मुझे बहुत लेट हो गई थी। मैं नए वाले घर पे गई थी, वहाँ पे सफाई करके आई थी, तो मैं आज दोपहर के खाने में केवल रायता ही बनाऊँगी, दही की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। तो चलो, मैंने इसमें डाल दिया राई और जीरा और हींग और लहसुन की छोटी छोटी करके कलियाँ भी डाली है मैंने। तो और ये मैंने कड़ी पत्ता डाला है, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा अपने रायते में, है ना। फ्लेवर अच्छा आता है ना, खुशबू अच्छी आती है इसकी। और प्याज और जो हरी मिर्च काटी हुई थी वो भी डाल देती हूँ। प्याज को मैं अच्छे से मिला देती हूँ तेल में। अब इसमें दो मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ सूखी, इसका अभी फ्लेवर अच्छा आएगा। पहले डाल देंगी तो ये जल जाएगी, तो अभी डाल देती हूँ इसको मैं। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर और एक चम्मच हल्दी पाउडर। एक चम्मच तो नहीं, उसमें से थोड़ा सा कम करना है आपको। और एक चम्मच नमक, एक से डेढ़ चम्मच नमक डालना है क्योंकि ये जो दही होती है ना ये खट्टी होती है। अगर इसमें ज़्यादा नमक डालेंगे ना तो ये खट्टी और ज़्यादा लगेगी, टेस्ट नहीं लगेगी। तो नमक थोड़ा कम ही डालें इसमें क्योंकि ऊपर से थोड़ा सा सिंधी नमक बाद में और डालेंगे हम इसमें। प्याज को धीमी आंच पे पका रही हूँ मैं, इससे क्या है ना जलेंगे नहीं प्याज हमारे। तो धीमी आंच पे आप पकाना, तेज़ में मसाले भी जल जाएंगे, इसमें पानी डलता है नहीं तो मसाले तो आपको पता जल ही जाएंगे। तो थोड़ा ना धीमी आंच पे ही करना है, और हो सके तो थोड़ी 1 मिनट या 2 मिनट के लिए बंद ही चाहिए तो आप गैस करो तो बंद भी कर सकते हो। तो मैंने गैस को कर दिया है बंद और ये ढक्कन लगा के रख दिया। थोड़ी सी ये ठंडी हो जाएगी तब मैं नीचे उतार लूँगी कढ़ाई को, नीचे उतार कर और फिर ही दही डालूंगी इसके अंदर में। तो ये देखो सॉफ्ट भी हो गए और अच्छे भी हो गए ना प्याज। तो मैं कढ़ाई को नीचे उतारा है मैंने, और ये मैं अब दही भिलो रही हूँ। तब तक है ना वो प्याज है ना हमारे ठंडे हो जाएंगे। तो ये दही गाय के दूध से बनी हुई है, देखो कितनी शानदार, कितनी मस्त दिख रही है जमी हुई। तो रात को मैं क्या करती हूँ, 7 बजे जमाती हूँ और 10-11 बजे रख देती हूँ फ्रीज में, इससे मेरी दही भी खट्टी नहीं होती है। अभी क्या गर्मियाँ चल रही है तो खट्टी हो जाती है दही, तो इसका खास तौर पर ध्यान रखना होता है। तो दही मैं कढ़ाई में डाल दी मैंने, कढ़ाई में थोड़ा सा हिलाकर, हिलाने से ही पहले मैं डाल देती हूँ। मेरा पुदीना पहले पे सुखाया हुआ था तो ये मैं पुदीना डाल रही हूँ, इसका फ्लेवर अच्छा आएगा पुदीने में, आप एक बार ट्राई करना। तो मैं तो भाई बगैर है ना पुदीने के ये रायता खाती नहीं हम लोग कोई भी। इसमें रायते में जब पुदीना, धनिया हो नहीं हो लेकिन पुदीना होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। बच्चों को भी ना पुदीना का फ्लेवर अच्छा लगता है तो बच्चे भी ना रायता अच्छे से खा लेते हैं। और आपको पता है राजस्थान में तो रायता फेमस ही है, तो रायता तो हमारा है ही है, जन्म सिद्ध अधिकार खाने का। तो ये हमारा ना रायता तैयार हो गया है, और अब खाने वाले आज नहीं है तैयार क्योंकि आज बच्चे हुए हैं कोचिंग सेंटर पढ़ने के लिए। तो मैं ये रायता निकाल कर फ्रीज में रख रही हूँ, इससे खट्टा भी नहीं होगा और अच्छा रहेगा। तो ये हमारा रायता बनकर हो गया तैयार। ये देखो सुंदर कलर आ गया ना इसका ऊपर से। तो आप भी इस तरह से बनाइए और खाइए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।